विवाह के समान क्षेत्र में रहने वाले 14 माह के एक नन्हे से बच्चे ने वह कारनामा करके दिखाया है, जिसे अब उसे रीवा का सर्च इंजन कहा जाने लगा है। 14 माह के बच्चे ने गूगल को पीछे कर अद्भुत मेमोरी पावर बनाई है, जिसे वह सेकंडों में चीज़ों को पहचान लेता है, जिसके लिए नन्हे से बच्चे यशस्वी मिश्रा को लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के खिताब से नवाजा गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे ने 6 से 8 माह की उम्र में ही अद्भुत प्रतिभा हासिल कर ली थी तथा 14 माह की उम्र में आते आते लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एजेंसी ने उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे खिताब से नवाजा है। गूगल को तो आप सब जानते ही होंगे कि किसी के भी बारे में आप सर्च करें और तुरंत उसका इंजन चालू हो जाता है तथा फटाफट उससे जुड़ी तमाम जानकारियां आपको आपके स्क्रीन पर मिल जाती हैं। ऐसे ही एक सर्च इंजन के नाम से मशहूर नन्हे बच्चे ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन तक को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, यह नन्हा सा बच्चा और कोई नहीं बल्कि रीवा के समान क्षेत्र में रहने वाला 14 माह का यशस्वी मिश्रा है, जिसने जन्म के साथ ही अपने शरीर में अद्भुत मेमोरी पावर विकसित कर ली और 14 माह के भीतर ही उसने यह कारनामा करके दिखाया है कि आप उससे देश दुनिया से जुड़ी किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। बस एक बार चंद सेकंडों के लिए उसे उस बारे में आपको जानकारी देनी होगी। इसके बाद जब कभी आप उससे सवाल करेंगे, झट से जवाब आपके सामने होगा। दरअसल रीवा के समान क्षेत्र में रहने वाले संजय मिश्रा के पुत्र यशस्वी मिश्रा ने अपने जन्म के 6 माह के बाद ही मेमोरी पावर को विकसित कर लिया, जिसके बाद किसी भी एक विषय के बारे में उसे थोड़ी सी जानकारी देने के बाद आप दोबारा उससे पूछेंगे तो आपको फट से उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद 14 माह की उम्र में आते आते उसने विदेशी धरती तक को चौंका कर रख दिया। इसके बाद उसके मेमोरी पावर के आगे लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एजेंसी को भी झुकना पड़ा। बताया जा रहा है कि 14 महीने के यशस्वी मिश्रा को उसके माता पिता ने विश्व के हर एक झंडों के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद उसने चंद सेकंडों के भीतर ही दोबारा पूछने पर झट से प्रत्येक देशों के झंडों को पहचान लिया और तब उसके माता पिता को यह एहसास हुआ कि यशस्वी ने अद्भुत प्रतिभा को लेकर जन्म लिया है। बालावस्था में 14 माह के यशस्वी ने 26 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों के बारे में पहचान कर सबको हैरत में डाल दिया, जो काम बड़े बड़ों और पढ़ाई में महारत हासिल करने वालों के लिए भी शायद मुश्किल होगा, वह काम यशस्वी के लिए बाएं हाथ का खेल है। यशस्वी के दादा अवनीश मिश्रा पेशे से शिक्षक हैं और वर्तमान में वह रीवा के दुआरी हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हैं, जबकि यशस्वी की माता शिवानी मिश्रा व पिता संजय मिश्रा पेशे से बिजनेसमैन हैं। 14 महीने के यशस्वी ने इस आश्चर्यचकित उपलब्धि को दिखाते हुए यशस्वी के दादा, माता और पिता सभी यशस्वी को आगे और नाम रोशन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब इस बालक ने अपनी इस कला का लोहा विंध ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान सर्च इंजन यानी कि गूगल बॉय के नाम से बना ली है। जब यशस्वी बहुत छोटे थे, 5 to 6 मंथ के थे, तो यशस्वी के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प थी। वो कोई भी चीज़ एक बार देख लेते थे तो फिर वो पॉइंट आउट करके बताने लगते थे। फिर ये चीज़ हम लोगों ने थोड़ी देखी, थोड़ा डिले हुआ, फिर मैंने डिस्कस किया इनके पापा से। फिर हमें लगा कि हो सकता है कि मतलब ये कुछ और ही हो, लेकिन फिर हमने ट्राई किया और हमने इसको एक चैनलाइज में करना शुरू किया और इनको चीज़ें आइडेंटिफाई करानी शुरू की, लेकिन हमने देखा कि इनको एक या दो बार ही बताने की ज़रूरत पड़ती थी, थर्ड टाइम ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो इसी वजह से हमने इसको एक चैनलाइज वे दिया और इन्होंने, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि ये देशों के झंडे बहुत ईजिली पहचान लेते हैं, बोलने से पहले ही बता देते हैं। तो इस तरीके से सफ़र चला इनका। बींग अ मदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ यशस्वी के लिए। ऐसे तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन उनके लिए हमने नहीं की, लेकिन हाँ, जब हमने देखा कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैप कर लेते हैं तो हमने इसको एक चैनलाइज वे दिया। दरअसल जब यशस्वी छोटा ही था, मतलब छोटा तो अभी भी है, जब 6-7 महीने का था और हम यशस्वी के साथ जब चीज़ें किया करते थे, खेलते थे, तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि उसके कमरों में हमने कुछ फ्लावर्स और कुछ और ऑब्जेक्ट्स के फोटोग्राफ्स चिपकाए थे। हम एक बार उस फोटोग्राफ को दिखाते थे और दूसरी बार पूछने पर वो बिल्कुल सटीक उस चीज़ पे जाके उंगली रख देता था या उसकी तरफ उंगली दिखाता था। इससे हमको ये समझ में आने लगा धीरे धीरे
कि कुछ तो बात है कि हम सिर्फ इसको एक बार चीजें सिखा रहे हैं और वो दोबारा वो चीज हमको बता दे रहा है। लेकिन तब भी शुरुआत में हमने ये नहीं सोचा था कि ये प्रतिभा इस तरफ जाएगी। थोड़ा और जब बड़ा हुआ यशस्वी, जब 11-12 महीने का था, तो हमने ऐसे ही देखने के लिए, जानने के लिए कि देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं, तो हमने कुछ झंडे कुछ देशों के हमने उसके सामने रखे जो राष्ट्रीय ध्वज थे उन देशों के, और उससे पूछना शुरू, उसको पहले हमने बताया कि ये किस किस देश के झंडे हैं। और एक बार बताने के बाद जब हमने दोबारा यशस्वी से पूछा, तो हमने देखा यशस्वी ने तुरंत एक बार बताने पर ही उन झंडों पर उंगली रख के हमको ये बताया कि किस देश के झंडे हैं, जिससे हमको ये महसूस हुआ कि हमारी बातें समझ पा रहा है और हम जो बता पा रहे हैं वो चीज़ें उसको मेमोराइज हो रही हैं। और इस तरीके से हमने झंडों की संख्या बढ़ाई और हमने फिर देखा कि यशस्वी उनको बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। और फिर इसके बाद हमारे मन में ये ख्याल आया कि यशस्वी किस प्रतिभा को हमको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिस समय ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, हालांकि उस समय यशस्वी अप्रॉक्सीमेटली 65 राष्ट्रों के जो ध्वज थे उनको पहचानता था, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइम पे हमने केवल 26 का ही एक वीडियो उनको भेजा था। और आज की डेट में अगर माना जाए, जबकि आज यशस्वी 15 महीने पूरा करके 16वें महीने में है, तो आज यशस्वी लगभग 194 देशों के राष्ट्रीय ध्वज पहचानता है, साथ ही साथ उनमें से बहुत सारे देशों की राजधानियां भी जानता है। तो इस तरीके से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर इसको कायम किया, हमको सर्टिफिकेट भेजा और रिकॉग्नाइज किया कि यशस्वी इस दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा है जिसने इतने झंडों को एक साथ एक बार में पहचाना है, तो हमको महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई, हमें लगा कि हाँ, हमारे बच्चे में कुछ खास बात है, कुछ प्रतिभा है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी जैसे जैसे यशस्वी बड़ा होगा, जैसे 18 महीने में हम एक और अटेम्प्ट कराना चाहते हैं जिसमें 194 देश और उनकी राजधानियाँ, साथ ही साथ उनके नक्शों को पहचान कर यशस्वी एक नया रिकॉर्ड भी बनाए, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भगवान ने हमें एक ऐसा बच्चा दिया है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जिस पे हमारा रीवा गर्व कर सकता है, विंध्य गर्व कर सकता है और हमारा देश गर्व कर सकता है।